भैया, जिंदाबाद विद्वान भैया, जिंदाबाद यस्मीन जा, जिंदाबाद यस्मीन जा, जिंदाबाद यस्मीन जा, जिंदाबाद हमारा जिला परिषद विद्वान भैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम आज पहुंची हुई है हुसैनगंज प्रखंड में और चुनाव सिवान सदर चुनाव संपन्न होने के बाद हुसैनगंज प्रखंड में चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज है क्योंकि 8 तारीख को यहां भी वोटिंग है। महज 4 दिनों के बाद सारे प्रत्याशी का किस्मत का हिसाब लग जाएगा और सारे प्रत्याशी अपने अपने जीत की दावा कर रहे हैं। और हुसैनगंज प्रखंड की खास बात यह है कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 से कुल 13 प्रत्याशी नामांकन किए हुए हैं और उन्हीं में से एक सुयोग के कर्मठ और ईमानदार जो जिला परिषद प्रत्याशी है यस्मीन जहां, उनके पुत्र मोहम्मद रिजवान मियां हमारे साथ खड़े हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका कैसा तैयारी चल रहा है और चुनाव चिन्ह क्या मिला है और कैंपेनिंग पर भी निकले हुए हैं, लोगों का कैसा समर्थन इनके साथ मिल रहा है। तो सबसे पहले स्वागत है रिजवान जी हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत है। हुसैनगंज जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 के सारे लोग ने जो मुझे प्यार और स्नेह दिया है इसके लिए मैं आभार हूँ। हमें लगता है कि इस बार भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो सारे लोग खुल के आए हैं, हमको लगता है कि इस बार भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारी का सफाया होगा इस हुसैनगंज क्षेत्र में। तो बहुत लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है और 8 तारीख को वोटिंग है, चुनाव की तैयारी कहाँ तक कर ली है आप? चुनाव की तैयारी मेरी लगभग पूरी हो चुकी है, सारे लोग लग चुके हैं हमारे चुनाव में। 13 प्रत्याशी यहाँ से नामांकन किए हैं, क्या लग रहा है चुनाव आपके लिए आसान हो पाएगा? बहुत आसान है हमारे लिए चुनाव, क्योंकि सारी जनता इतना ना उग चुकी है इन नेताओं से, इस सिस्टम से इतना ना उग चुकी है कि अब लगता है कि हम आए हैं, लगता है हमें हम सारे लोग समर्थन दे रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे जीत मिलेगा। तो जवान जी, कहीं ना कहीं ये चुनाव जो शुरू होता है विकास के मुद्दा से राजनीति शुरू होती है और अंत में ये जाति और धर्म का रंग ले लेती है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो जाति और धर्म का रंग देना चाहते हैं? जात पात की राजनीति खत्म है, अब वो जमाना गया कि जात पात के नाम पे वोट ले लेंगे। एक शिक्षित उम्मीदवार को सारे लोग, हमसे शिक्षित उम्मीदवार क्षेत्र संख्या 11 में कोई नहीं है। ये तो सही बात है, 13 प्रत्याशी भले नामांकन करके आए हैं लेकिन उसमें से एक लौटता रिजवान मियां ऐसा है जो मतलब पढ़ाई लिखाई करके एजुकेटेड पर्सन भी है, बीटेक भी किए हुए, तो क्या लग रहा है इसका फायदा आपको मिलेगा, जनता इसका फायदा देगी? बहुत फायदा मिलेगा, मैं लोगों के बीच रहा हूँ, लोगों के साथ मिल के, मैं चुनाव से पहले भी मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था लेकिन क्षेत्र के लोगों ने कहा कि आप सेवा करते हैं, सबको मिलजुल के लेके चलते हैं, तो एक बार आप चुनाव लड़िए। मुझे जनता ने लेके आया है चुनाव लड़ने के लिए, मुझे उम्मीद है क्षेत्र संख्या 11 के लोगों से पूरा भरोसा है कि हमें जीत दिलाएंगे। तो आप एक यूथ हैं, क्या युवा का सपोर्ट आपके साथ है? पूरा सपोर्ट है, पूरा जन समर्थन लेके हम चल रहे हैं, आप पता कीजिए क्षेत्र संख्या 11 में। ये चीज़ें जिंदगी में बहुत सा संघर्ष करना पड़ता है तब जाके आदमी मुकाम तक पहुंचता है। बोला जाता है ना, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई सुधार करो, जब तक ना सफल हो तुम सुख चैन को त्यागो तुम, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वही बात, जिंदाबाद जिंदाबाद जवान भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो जवान भैया जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो जवान भैया जैसा हो। तो काफी लोगों का जन समर्थन आपको मिल रहा है, तो क्या ये जितना लोग आपके पीछे खड़े हैं, जो भी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारे लोग 8 तारीख को वोट में तब्दील हो पाएंगे? मुझे पूरा उम्मीद है, जिस तरह मुझे समर्थन मिल रहा है, जिस तरह मैं अपने विचार को लेकर सारे लोगों के सामने आया हूँ, मुझे पूरा उम्मीद है कि सारा लोग मेरा सपोर्ट करेगा, क्योंकि आज की राजनीति की जरूरत है युवा, और युवा आप हैं और एजुकेटेड पर्सन भी चाहिए, पढ़े लिखे लोग पर्सन भी आप हैं, तो कहीं ना कहीं जनता की जो पसंद है वो रिजवान मियां में दिख रही है, तो क्या जनता इसको कबूल करेगी? एकदम कबूल करेगी। सबसे पहला मेरा काम है कि छात्र और नौजवान को शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक और रोजगार देने का भी मैं काम करूंगा, क्योंकि जनता यहाँ का काफ़ी आक्रोशित है, ये तो ठीक से के बदलाव होगा और बदलाव में सबसे बड़ा कोई चेहरा है तो रिजवान मियां चेहरा है। तो क्या लोगों का समर्थन, पूरा लोगों का समर्थन आपको मिल पाएगा, हिंदू मुस्लिम जाति धर्म सबसे ऊपर ऊपर? जात धर्म का तो कोई बात ही नहीं है, सबसे पहले मैं इंसान हूँ, मैं मानव धर्म मानता हूँ, जात मतलब का कोई बात नहीं है, यहाँ पर विकास की बात है। जो क्षेत्र के लोग ने आज तक ये भी नहीं जाना कि मेरा जिला पार्षद है कौन, लेकिन मैं बताने का काम किया है कि मैं ही जिला परिषद बनूंगा,
और मैं जिला परिषद सारा काम करूंगा। आज तक कोई काम नहीं किया है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 में, लेकिन ये तो सब लोग जानता है कि रिजवान जिला परिषद से खड़े हुए हैं और सबको उम्मीद है कि अगर रिजवान को हम लोग वोट देते हैं, जिताते हैं, तो ये अपने कार्य का बहुत अच्छा से निर्वहन करेगा। सब्र रख वो मंजर भी आएगा, सब्र रख वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर एक दिन समंदर भी आएगा। हार कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कहीं ना कहीं रिजवान जी आपके जो ये लोकप्रियता है, जैसे जैसे लोगों तक पहुंच रही है, आपकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, विरोधियों का नींद उड़ा चुकी है। विरोधी लोगों के अंदर एक ही डर सता रहा है, वो रिजवान मियां। तो जो 13 प्रत्याशी यहाँ से चुनाव दाखिला कराए हैं, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मुझे कुछ नहीं कहना है, कोई विरोधी के बारे में कुछ नहीं कहना है, सब कोई मेरा भाई है। चुनाव है, चुनाव में सब कोई अपना लक आजमा रहा है। जनता जिसको वोट करेगी वो जीतेगा। जनता समझेगी कि अगर रिजवान उस लायक है तो हमको वोट देगी, हमको जिताएगी। हम जनता के साथ रह के जनता से जुड़ी हुई काम करेंगे। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 की समस्त सामान्य जनता से क्या अपील कीजिएगा जो चुनाव चिन्ह आपके सिलाई मशीन साथ उसके लिए? सिलाई मैं यही जनता से अपील करूंगा कि प्रत्याशी एक अच्छा चुने जो सबको साथ में लेके चले, जो सरकारी कार्य है, जो भी कार्य है, उसको अच्छा से निर्वहन करे। मैं यही चाहता हूँ, मैं क्षेत्र का विकास चाहता हूँ। बस यही कह रहा हूँ कि एक बार मुझे मौका दीजिए लोग, फिर दोबारा मैं मौका नहीं मांगूंगा। एक बार मौका दीजिए, क्षेत्र को ऐसा बनाऊंगा, एक बेटा बन के सेवा करूंगा। एक माँ के एक बेटा जिस तरह सेवा करता है ना, उस तरह मुझे लग रहा है कि मैं उस तरह सेवा करूंगा। चुनाव चिन्ह मेरा सिलाई मशीन है। सभी लोगों से अपील है, सम्मान संख्या 10 से सभी भाई बहनों माताओं बुजुर्गों से अपील है कि एक बार हमको मौका दीजिए। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद है अभी यास्मीन जहां के पुत्र रिजवान मियां, जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 से जिला परिषद के उम्मीदवार हैं इस बार, और इनका चुनाव में आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो दलित गरीब शोषित वर्गों को जो शोषण हो रहा है, उनके हक को, चीज़ों को उनको तक पहुंचाया जाए। और इसलिए आज की जो राजनीति की जरूरत, एक युवा बन चुका है और पढ़ा लिखा यूथ बन चुका है, तो सारे गुण रिजवान मियां में मौजूद है। 13 प्रत्याशी भले यहाँ से नामांकन कराए हों, और उनमें सबसे बड़ा कोई चेहरा है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 से, तो है रिजवान मियां। और यूथ और एजुकेटेड पर्सन का सपोर्ट इनको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और आने वाले 8 तारीख को इस क्षेत्र की समस्त सम्मानित जनता से इनका अपील है कि आप लोग जिसे भी वोट करें, अपने गिरवान में झांक ले, क्या जिस व्यक्ति को हम अपना बहुमूल्य और कीमती वोट दे रहे हैं, वो मेरे 5 साल भविष्य को संवार के रखेगा कि नहीं रखेगा, मेरे बच्चों के बारे में सोचेगा कि नहीं सोचेगा, उसके बाद आप एक स्वस्थ साफ सुथरा छवि वाला नेता चुने, ताकि 5 साल आपका विकास हो, ना कि 5 साल आपका शोषण हो। और इनका चुनाव चिन्ह है मशीन, सिलाई मशीन सा, जो क्रमांक संख्या 10 पे मौजूद है। तो आप सबसे निवेदन है कि इनका सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन भी है और पढ़े लिखे यूथ की जरूरत है हमारे समाज को, जो 20 वर्षों से राजनीति पीछे जा रही है, जो गलत वर्गों का दबदबा चल रहा है राजनीति पे, उन्हीं गलत लोगों को मिटाने के लिए ये पढ़े लिखे व्यक्ति बीटेक करके खुद राजनीति में आए हैं लोगों की सेवा करने के लिए। जब लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी इनका मनोबल भी हाई होगा, तभी क्षेत्र का विकास भी होगा। आप हमारे साथ बने रहिए N20 Live पर। यहाँ की हर एक अपडेट, क्षेत्र की हर एक अपडेट 8 तारीख तक हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता तक पहुँचेगी, और इनका जो सोच है उस सोच के इस क्षेत्र की हर एक जनता तक हम पहुँचाने का हर संभव कार्य करेंगे, ताकि क्षेत्र का विकास हो, एक अच्छे व्यक्ति की चुनाव हो। इसे बने रहिए हमारे खबर पर N20 Live पर। धन्यवाद।